बेस्ट इमेज टू वीडियो जनरेटर एआई टूल। दोस्तों सबसे पहले आप इस एआई टूल से जनरेट की गई इन वीडियोस को देखो। एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा देवांश और रानी सुहानी राज किया करते थे। दोनों ही प्रजा के प्रिय थे और राज्य सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। सिया और आर्यन एक छोटे से गांव में रहते थे। बचपन से एक दूसरे के साथी थे। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था। आर्यन एक गरीब परिवार से था, जबकि सिया अमीर घर की बेटी। ओके दोस्तों, ये सारी वीडियोस हमने इस एआई टूल की मदद से जनरेट की, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करेंगे जहाँ हम किसी भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। और इस एआई टूल में एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी इमेज भलाई लो क्वालिटी में हो, लेकिन जो ये वीडियो जनरेट करके देगी वो वीडियो हाई क्वालिटी में जनरेट होगा। ओके, तो बिना कोई बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो शायद आप इस एआई टूल के बारे में जानते होंगे। तो इस एआई टूल का नाम है रनवे एमएल। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। आई नो कि आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी इस एआई टूल का यूज़ करते समय इस तरह का एरर आ रहा है। इस एरर की वजह से हम वीडियो जनरेट नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो के अंदर हम इस एरर को रिमूव करेंगे और साथ ही कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हम जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में और या रनवे एमएल लिखकर सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट रनवे एआई पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अब इस वेबसाइट में अकाउंट बनाने के लिए हम ट्राई रनवे पर क्लिक करेंगे। देखो गाइज, हम इस वेबसाइट के अंदर हमारे गूगल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, सो इसके लिए लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अब एक न्यू पेज ओपन होगा जहां हमें हमारी सारी ईमेल आईडी शो हो जाएगी। किसी भी एक ईमेल आईडी पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। ओके गाइज, देखो अब इसके अंदर हमारा अकाउंट बन चुका है, सो अब हम ईमेल से वीडियो जनरेट करना सीखेंगे। अब इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझना, बाद में आप कमेंट करके ये मत बोलना कि कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस पेज को डेस्कटॉप साइड में इनेबल कर देना, देन इस प्रोसेस को फॉलो करना। अब हम जनरेटिव वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, देन टैप टू अपलोड इमेज और वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से उस इमेज को ऐड करेंगे जिसे हम वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो अगर आपको भी इस तरह के एआई इमेजेस जनरेट करने हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को चेक कर लेना। कंप्लीट प्रोसेस के साथ बताया है मैंने कि इस तरह की एआई इमेजेस कैसे जनरेट की जाती। ओके, अब हम इस इमेज को ऐड कर लेते हैं। इसके लिए इमेज पर क्लिक कर देंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे। हमारी इमेज अपलोड हो रही है। ओके, इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर इमेज की साइज लैंडस्केप या पोर्ट्रेट नहीं होगी तो हमारे सामने क्रॉप वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। सो आप अपनी इमेज को जिस किसी भी रेशियो में रखना चाहते हैं उस रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर लैंडस्केप को सिलेक्ट करके क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से 5 सेकंड को सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक कर देंगे। या एरर आ चुका है, ड्यू टू हैवी डिमांड जनरेशन ऑन फ्री प्लान्स आर टेम्परेली अनअवेलेबल। देखो गाइस, ज़्यादातर केसेस में इस प्रोसेस से वीडियो जनरेट हो जाते हैं। अगर इस तरह का एरर या प्रॉब्लम आ जाए तो आप एक काम करना, वेबसाइट पेज के टॉप में आ जाना, जेन 3 अल्फा टर्बो पर क्लिक करना और यहाँ से जेन 2 को सिलेक्ट कर देना। ओके, अब यहाँ जनरेट पर क्लिक कर देना। अब देखो हमारा वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब हमारा वीडियो जनरेट हो चुका है, सो इस प्ले वाला आइकन पर क्लिक करके चेक कर लेना। अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलो एक और इमेज जनरेट करके चेक कर लेते हैं कि एक से अधिक इमेज वीडियो में कन्वर्ट होती है या नहीं। सो इसके लिए हम पुरानी इमेज को डिलीट वाला आइकन पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अब यह टैप टू अपलोड इमेज पर क्लिक करके न्यू इमेज को ऐड कर देंगे। इमेज अपलोड हो रहा है। इमेज अपलोड हो जाने के बाद जनरेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यह सेकंड वीडियो भी जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, सो कुछ सेकंड वेट करेंगे। देखो अब हमारा सेकंड वीडियो भी तैयार है। और यह प्ले वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी चेक कर लेना। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो देखो सेम इसी प्रोसेस से आप किसी भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। हो सकता है आपके इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे पास हो और मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं। और अब देखो रनवे एमएल की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना।
यहाँ आपको रनवे ML के कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये सारे फीचर्स एक यूट्यूबर और क्रिएटर के लिए बहुत काम आते हैं। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।